हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ डेनमार्क। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, एंड इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी उसके अपने एवरीडे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो अपने को देखना है। तो फर्स्ट इफेक्ट है इसका वो है कोरोजन। व्हाट इज द कोरोजन? Corrosion is a process, the process of slow conversion, the process of slow conversion of metal into their undesirable compound, undesirable compound due to their reaction with oxygen, acid, water, gases, etc. present in the atmosphere, present in the atmosphere is called corrosion, is called corrosion. What is the corrosion? Corrosion is a process of slow conversion. ये तो reaction होगी वो कैसे होगी? Slow होगी metal, किसमें होगी? metal में into that indesirable compound, उसका indesirable compound है वो बन जाएगा। कब बनेगा? Due to the reaction with oxygen, जब उस metal की reaction oxygen से होगी या फिर acid से होगी या water से या फिर gas से। ठीक है, ये present कहाँ होते हैं? They present in the atmosphere are called corrosion. For example, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन के ऊपर रस्ट लगती है तब कौन सी प्रोसेस होती है? उसमें कोरोजन बहुत ज्यादा है। इट मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन में कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इट मीन्स आयरन के साथ में कौन रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। आपने जब देखा होगा कि जब फेरस को मैं एटमोस्फेयर में फ्रीली पुटअप करता हूँ तो उसके ऊपर एक अनडिजरेबल जो है लेयर है वो इसके ऊपर आ जाती है, ब्राउन कलर की लेयर इसके ऊपर आ जाती है। वो ब्राउन कलर की जो लेयर है वो किसकी होती है? वो ऑक्सीजन की होती है। इट मीन्स उसके ऊपर रस्ट लग गया। अब सडनली से तो ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने आयरन रखा और नेक्स्ट डे उस पर रस्ट लग गई। ये जो रिएक्शन होती है बहुत स्लो रिएक्शन होती है, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होती है। ओके, अभी रस्टिंग ऑफ आयरन की जो रिएक्शन है वो कौन सी होती है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे पहले तो हमें मालूम होता है ये आयरन का सिंबल वो क्या होता है। देखो रस्टिंग, इसी का एग्जांपल मैंने भी बताया रस्टिंग। व्हाट इज द रस्टिंग? आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर forms red substance, brown substance, which is called rust, Okay, क्या लिखा है? आयरन, when iron react with oxygen, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर मीन्स वाटर, ठीक है, देन फॉर्म ए ब्राउन सब्सटेंस विच इज रस्टिंग, विच इज रस्ट, Fe2O3 प्लस H2O, ओके, बैलेंस करेगा इसको 2, 3, 4,
सॉलिड गैस डॉट इसके साथ मिक्स होगा दैट इज रस्ट। इसका नाम पूछे केमिकल नेम क्या होता है, देन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देन व्हाट इज द रस्टिंग, रस्टिंग इज व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर देन ए ब्राउन सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड रस्ट। एंड व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके Fe2O3.H2O, then 2Fe2O3.XH2, यहाँ पर X है, ठीक है? ये क्या है? Number of molecules of water, ये कितने भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतने भी है, ओके? इसका केमिकल नेम क्या होगा? Hydrated, hydrated means होता है water, hydrated means water and Fe2O3, ferric oxide, then what is the chemical name of rusting? Hydrated, ferric oxide, hydrated, ferric oxide. ओके क्लास, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा अपना कोरोजन का, अभी रस्टिंग ऑफ आयरन कंप्लीट हो गया, वो कोरोजन का एक एग्जांपल था। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर। And what is the corrosion of a copper? And copper object lost their luster and shine after some time. Because the surface of these objects, acquire a green coating of basic कॉपर कार्बोनेट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। व्हाट इज कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर का कोरोजन कैसे होगा, कॉपर ऑब्जेक्ट आर लॉस देयर लस्टर, जब कॉपर को अपन फ्रेंडली कोट अप करते हैं तो वो जो अपना जो लस्टर है वो शाइन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज द सरफेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड, जो कॉपर की सरफेस है वो क्या कर लेती है, ग्रीन कलर की कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है। कब आती है, उसको मैं फ्रीली एटमोसफेयर में रखता हूँ और जो ग्रीन कलर की जो कोटिंग आएगी उसको क्या बोलेंगे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट रिएक्शन लिखूं मैं तो कैसे, एक कॉपर था मेरे पास, इसको मैंने फ्रीली रखा तो क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन कर लेगा, सॉरी CO2, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, CO2 होता है, ऑक्सीजन होता है और क्या होता है, H2 होता है। समझ में आया ना, तो कॉपर को जब मैं फ्रीली एटमॉस्फेयर में रखता हूँ तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, मोस्टली ये CO2 ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर होता है, ये इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा और ग्रीन कलर की कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी, इसकी होगी वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होगी। एंड बेसिक मींस होता है बेस, और बेस अपन थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे बेस के बारे में, तो जिस एलिमेंट के साथ में ओएस जो है ग्रुप यदि ऐड हो जाता है तो वो बेस वर्क की कैटेगरी में आते हैं। तो बेस होगा, बेसिक होगा, लेकिन किसका बेसिक होगा, कॉपर का, तो कॉपर के साथ में ओएस आता है तो CuOs, यदि इसके साथ में आ जाए तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 और कैसा है, बेसिक है तो CuOH और ट्वाइस, ये क्या हो गया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है? इसको आप बैलेंस करना चाहते हो 2
तो ये कॉपर कॉरोजन ऑफ कॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर लस्टर एंड शाइन आफ्टर सम टाइम बिकॉज द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड ए ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कार्बोनेट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ओके केमिकल फॉर्मूला यदि रिएक्शन पूछे तो कॉपर को एटमॉस्फेयर में रखता हूं मैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है CO2 होता है, ऑक्सीजन होती है, H2O होता है, ठीक है। ये इनके कॉपर के साथ में रिएक्शन करती है, ग्रीन कोटिंग फॉर्म करती है, इसको मैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म बोलता हूं। तो CuCO3.CuOH होल ट्वाइस का हो जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला है वो हो जाएगा। ओके तो ये थी अपनी कोरोजन। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का इन आवर डेली लाइफ वो है रेंसिडिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना किसी का इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ में, फर्स्ट कोरोजन हो गया, सेकंड जो है वो है रेंसिडिटी। What is the rancidity? The taste and odor of food. The taste and odor of food material containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time. This is called rancidity. Okay, so what is the rancidity? The taste and odor of food. Food का जो taste है, वो जो odor है, उसका जो स्वाद है वो, and material containing fat and oil change. जो food के अंदर जो fat होगा, oil होगा, वो क्या हो जाएगा? Change होगा, कब होगा? When they are left exposed to air. जब उसको मैं food को air के अंदर exposed कर दूँ, left कर दूँ, उसको छोड़ दूँ freely. कब तक? फॉर ए लॉन्ग टाइम। यदि लॉन्ग टाइम के लिए मैं फूड को एयर के अंदर एटमॉस्फेयर में फिर एक्सपोज कर दूं तो उसका टेस्ट और ऑडर है वो चेंज हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और उसे क्या बोलेंगे अपन? रेंसिडिटी बोलेंगे। ओके यस, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इसके टॉपिक है कि इसको प्रिवेंट अपन कैसे कर सकते हैं, कोरोजन को और रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको सेव कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को मैं कैसे प्रिवेंट कर सकता हूं? तो उसकी थ्री मेथड है। यदि मैं तो पेंटिंग कर दूं, बाय पेंटिंग, पेंटिंग से भी क्या होता है कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। बी है बाय ग्रीसिंग एंड ऑयल। सी है बाय गैल्वेनाइजेशन। तो थ्री प्रोसेस है, थ्री मेथड है जिसके द्वारा अपन कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कौन कौन से? बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, एंड बाय गैल्वेनाइजेशन। ओके अब नेक्स्ट जो है पॉइंट है कि मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? रेंसिडिटी यस, इसी की मोस्टली अपने को थ्री और फोर पॉइंट अपने लर्न करना है। यदि मैं फूड के अंदर क्या ऐड कर दूं? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट,
बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट वैक्यूम पैकिंग रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन डी है रेफ्रिजरेशन और फूड स्टफ रेंसिडियो कैसे प्रिवेंट कर सकता हूँ। देखो रेंसिडियो में मोस्टली कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यदि इसको ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो प्रिवेंट हो जाएगी, तो उसके अंदर मैं एंटी ऑक्सीडेंट ऐड कर दूंगा फूड में। वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम मीन्स होती है नो एयर नो विंड एंड नो ऑक्सीजन। जहां पर कुछ भी ना हो, कुछ भी गैस ना हो, कोई भी एयर ना हो, कोई भी पार्टिकल डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, तो होता है वैक्यूम पैकिंग। यदि किसी फूड को अपन वैक्यूम कर देंगे, उसके अंदर जो एयर है उसको निकाल देंगे, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो फूड है वो रेंसिड नहीं होगा। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। यदि मैं नाइट्रोजन किसी पैक फूड का जो फूड है मेरे पास उसमें से मैं एयर को निकाल दूँ, उसमें नाइट्रोजन फिल कर दूँ, ठीक है, तो भी मेरी जो फूड है वो रेंसिड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। या फिर फूड को रेफ्रिजरेशन कर दूँ मैं, तो भी क्या होगा, जो फूड है वो रेंसिड नहीं होगा। और क्लास तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1। सो थैंक यू, बाय बाय।